हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई, आज बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप गाउन वाली साड़ी बहुत अच्छे से बना पाएंगे। इसमें कुछ डेमो भी दिखाऊंगी बीच में कि कैसे कैसे बनाई जाती है, क्या क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो का आप पूरा देखना। क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि पुरानी साड़ी में से हम गाउन वाली साड़ी बना सकते हैं तो कैसे बनाएं, या नई साड़ी में से हम गाउन वाली साड़ी बना सकते हैं तो कैसे बनाएं। तो भाई, इसका आंसर है कि जो पुरानी साड़ी है या आपके पास कोई भी साड़ी है, उसमें से गाउन वाली साड़ी बन तो जाती है। जैसे कि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं पुरानी साड़ी से गाउन वाली साड़ी बनाई, बहुत लोग बना रहे हैं। पर क्या होता है ना कि 5.5 मीटर में से आप पूरी साड़ी ना अच्छे से नहीं बना पाएंगे, यानी कि जो नीचे फ्रिल है वो बहुत कम आएगी, और नीचे जब फ्रिल कम आएगी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब जब आप पहनेंगे ना बनाकर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मतलब कम घेर का होता है नीचे, तो कितना अनकंफर्टेबल सा लगता है। क्योंकि जब हम साड़ी लाते हैं तो उसमें फॉल लगाते हैं ना वजन करने के लिए, तो वो ही वजन हमें चाहिए और वो 5.5 मीटर में नहीं निकल पाता। साड़ी तो बन जाती है, गाउन भी बन जाता है, छोटी छोटी सी प्लेट डालकर सिर्फ 1.5-2 मीटर का पल्लू निकालिए। अब बताइए, 1.5-2 मीटर का पल्लू इतना अच्छा तो नहीं लगता। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगी कि कितना फैब्रिक लगेगा, कैसे कैसे मैं कटिंग करती हूँ, कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। क्योंकि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि भाई मैं गाउन वाली साड़ियाँ बनाकर सेल करती रहती हूँ। सिर्फ गाउन वाली नहीं, सभी तरह की साड़ियाँ बनाकर सेल करती रहती हूँ। साइड में आप वीडियो देखिए, ये गाउन वाली साड़ियाँ मैंने बना बनाकर सेल की हैं, और इनमें घेर देखिए आप नीचे, ये चलते हुए भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि उड़ रही हैं। क्योंकि जितना आप हल्की फ्रिल रखेंगे ना तो थोड़ी अजीब लगेगी, जितना थोड़ी हैवी फ्रिल लगेगी ना उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक साड़ी भी दिखाऊंगी, उसमें मेजरमेंट करके भी बताऊंगी कि कितना कितना कपड़ा लग जाता है और कितना कपड़ा हमें चाहिए जो हमारी अच्छी गाउन वाली साड़ी बने, तो वीडियो को आप पूरा देखना। तो ये गाउन वाली साड़ियां मैंने कम से कम 8.5 मीटर में, 9.5 मीटर में ऐसे बनाई है, क्योंकि फ्रिल बहुत ज्यादा रखी है मैंने। अगर आप अम्ब्रेला फ्रिल रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगेगा, अगर आप नॉर्मल फ्रिल प्लीट्स वाली रखेंगे ना तो थोड़ा बहुत कम कपड़ा लगेगा, बस उतना ही फर्क होता है। तो भाई, मैंने एक साड़ी निकाली है आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आपके पास साड़ी है, पुरानी साड़ी है या नई साड़ी है, तो कितना कितना कपड़ा लग जाता है। जैसे कि ये साड़ी है, मैं पीछे होकर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये प्रिंट है इसका। ये साड़ी नई है बिल्कुल, इसका ब्लाउज पीस वगैरह सब इसमें ही लगा हुआ है, ठीक है, नई साड़ी है ये। इस साड़ी में से मैं गाउन वाली साड़ी बनाऊंगी और उसको सेल भी करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं सेल करती रहती हूँ ना साड़ियाँ, तो इसमें से मैं बनाकर सेल करूंगी। ये बिल्कुल नई साड़ी है, ये देखिए, अगर ऐसी कोई साड़ी आपके पास पड़ी है तो कैसे आप गाउन वाली साड़ी बनाएं और क्या क्या हिसाब है गाउन वाली साड़ी का वो मैं बता देती हूँ। पहले हम इस साड़ी को नाप लेते हैं, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि कितना कपड़ा हमारे पास है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5.25 भी नहीं है, थोड़ी सी फालतू है। ब्लाउज पीस तो निकला होता है पुरानी साड़ी में, ब्लाउज पीस तो लगा नहीं होता, तो ये 5.25 मीटर कपड़ा हमारे पास है। और अगर नई साड़ी है तो इसमें से सिर्फ स्लीव्स वगैरह बना सकते हैं हम, ज्यादा इसमें से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लाउज देखिए सिंपल से होते हैं और साड़ियों में प्रिंट होता है। अगर आपकी ऑल ओवर साड़ी 6 मीटर की ना, फिर भी कपड़ा कम रहता है। साड़ी में से पूरा हिसाब लगाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे गाउन वाली साड़ी बनाती हूँ। ये गाउन वाली साड़ी भी सेल करने के लिए मैं बना रही हूँ, मैं कटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को जरूर मैं दिखाऊं, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो पूरी लंबाई में से घुटनों तक लंबाई लेकर एक कुर्ती का निशान मैंने लगाया है, ए लाइन कुर्ती कट की है, ठीक है, वो रख दिया। उसके बाद जो नीचे की लाइनिंग है ना, वो भी ए लाइन ही आनी चाहिए, और लाइनिंग नीचे की पूरी एक होनी चाहिए। जैसे ये कुर्ती आ गई ना, उसके बाद फ्रिल लगेगी, 21-22 इंच की फ्रिल लगेगी। सारी अपनी लंबाई नाप लीजिए, घुटनों तक की लंबाई लेकर एक कुर्ती का निशान लगाना है आपको, उसके बाद फ्रिल लगानी है, ठीक है। नीचे से इसकी चौड़ाई जो है वो 34 इंचाई है मेरे लिए, 38 चेस्ट है मेरी, 38 हिप है, तो उसके हिसाब से 34 या 35 इंच मैं रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। ये देखें, यहाँ तक पूरा हल्की सी मैंने कटिंग भी की है, क्योंकि जब भी आप ए लाइन कुर्ती काटते हैं ना, तो साइड में से बिल्कुल कोने नहीं बने, तो
तो उसमें से 1 इंच की आपको कटिंग भी करनी है। जो लाइनिंग है वो 3 मीटर लगती है कम से कम, और देखिए लाइनिंग को ए लाइन शेप देने के लिए चौड़ाई में ये 4 से 5 इंच का जॉइंट लगाया है। साइड में से जो कपड़ा कटिंग किया है ना वो ही यहाँ पर लाकर जॉइंट लगा दिया है। अभी मैं कटिंग कर आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये ए लाइन लाना है आपको, ऐसे नहीं कि मतलब चौड़ाई कम है तो आप सीधी सिलाई लगा दीजिए, वो बिल्कुल नहीं कीजिए, उससे लुक बिल्कुल अच्छी नहीं आती गाउन साड़ी की। ये यहाँ से 1.5 इंच की मैंने कटिंग की है। मैंने आपको बताया ना जैसे ए लाइन शेप हम किसी भी चीज़ की करेंगे तो साइडों से कोने नहीं लटके, उसके लिए 1 से 1.5 इंच की शेप की जाती है। और ये देखिए ये हो गया ना पूरा, अगर ऐसे ही सिलाई लगा देते तो बिल्कुल सीधा सा हो जाता और वो बैठने उठने में कंफर्टेबल नहीं रहता। अब ये नीचे तक पूरा ए लाइन आ गया है। रेडीमेड जो साड़ियाँ होती हैं उनमें नीचे लाइनिंग नहीं होती और वो बहुत ही बुरी लगती है। और फ्रिल के लिए मैं 4 मीटर कपड़ा लेती हूँ, 4 मीटर में मैं फ्रिल बनाती हूँ। कपड़े को मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है, नीचे की तरफ मोड़ने के लिए अलग से कपड़ा लगाऊंगी और ये 21-22 इंच की फ्रिल मेरी बन जाएगी। ऊपर से फोल्ड है और भाई दुपट्टा और फ्रिल वाली स्लीव्स वो बिल्कुल अलग से है। ठीक है, ये तो मेरा कपड़ा लगता है। अब साड़ी में से हम हिसाब लगाते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितना कपड़ा चाहिए। ये देखिए ब्लाउज को आप भूल जाइए क्योंकि ये नई साड़ी है, और पीछे मैंने आपको साड़ी नाप के दिखा दी है, 5.25 मीटर की ये साड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी चौड़ी हमें कुर्ती चाहिए, ए लाइन कुर्ती मैंने आपको बताया ना पीछे वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको, जितनी चौड़ी हमें कुर्ती चाहिए जैसे मैं 38 के हिसाब से ही आपको बता देती हूँ, मेरी चेस्ट 38 है और हिप भी 38 है, तो जो नीचे की चौड़ाई है ना मेरी पूरी की पूरी 35 इंच मैं ले लेती हूँ, तो इसको मैं 35 फोल्ड करना है क्योंकि हमें ए लाइन शेप चाहिए। ये मतलब नहीं होता कि हमें कितना नीचे से खुला चाहिए, हमारी पूरी कुर्ती जो है ए लाइन शेप में आनी चाहिए, उसके बाद फ्रिल लगती है। तो ये मैंने 35 ले लिया, 35 को मैं फोल्ड कर लूँगी, पूरा मोड़ लूँगी, इसमें से तो निकलेगी हमारी जो कुर्ती निकलेगी हाफ कुर्ती और उसके बाद फ्रिल लगेगी। तो यहाँ से हो गया हमारा कुर्ती निकल गई, ये गाउन साड़ी का ऊपर का पोर्शन हो गया। अब आती है फ्रिल की बारी, ये हटाने के बाद भी मैं आपको साड़ी नाप कर दिखाती हूँ तो फिर आप देखना अच्छे से आपको पता चलेगा। इसके बाद देखिए इंची टेप हम रखते हैं, ये हमारा 1 मीटर हो गया, यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ, और ये हमारा 2 मीटर हो गया, यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ, ये हमारा 3 मीटर हो गया, और 3 मीटर से थोड़ा सा फालतू हमारे पास बचा है। अब बताइए सिर्फ एक कुर्ती कुर्ती निकल पाई है, उसके बाद हमारा दुपट्टा भी है, हमारी फ्रिल भी है, तो 3.25 मीटर में कैसे सब चीज़ निकलेगी। अगर 2 मीटर मान लीजिए मैं 2 मीटर कर दूँ कि भाई 2 मीटर में मैं फ्रिल निकाल देती हूँ फोल्ड करके, 2 मीटर में मैं निकाल देती हूँ फ्रिल, 2 मीटर में फ्रिल निकालने के बाद 1.25 मीटर तो पल्लू के लिए बचा, वो भी बेकार हो गया, पल्लू भी फ्रिल भी बेकार हो गई। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, गाउन के लिए निकाल के मतलब कुर्ती के लिए निकाल के ना पूरी जो साड़ी को फोल्ड कीजिए ऐसे बीच में से कट कीजिए और 3.25 मीटर की पूरे की फ्रिल लगा दीजिए, पूरे की फ्रिल लगा दीजिए, बहुत सुंदर लुक आएगी। यानी कि 5.25 मीटर में पूरा गाउन बना दीजिए और पल्लू के लिए बिल्कुल अलग से कपड़ा लीजिए, तब आपकी साड़ी में से जो गाउन साड़ी बनेगी ना वो अच्छी बनेगी। नहीं तो एक देखिए छोटी मोटी चुन्नटें 1-2 डालने पर वो इतना मज़ा नहीं आता साड़ी में पहनने में। इसीलिए तो मेरी सारी साड़ियाँ 8-9 मीटर में बनती है, क्योंकि देखिए ये 5.25 मीटर तो गाउन बन गया, अब 2.5 मीटर हमें और चाहिए तो कितना हो गया, 7.5-8 मीटर कपड़ा हो गया, तो उतना कपड़ा तो हमें चाहिए ही चाहिए। कपड़े को साइड से बचाने के लिए पल्लू की चौड़ाई आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इतने चौड़े पल्लू की ज़रूरत नहीं होती, बस 30-32 इंच या 33 इंच चौड़ाई रखिए पल्लू की आप, और साइड से जो कपड़ा बचेगा ना उसकी फ्रिल वगैरह लगा दीजिए, तो थोड़ी बहुत लंबाई आपके जो कपड़े की है वो बढ़ जाएगी। पर सिर्फ एक साड़ी में से अच्छी गाउन वाली साड़ी या घेर वाली गाउन वाली साड़ी नहीं बन सकती, इसका नाम ही है गाउन वाली साड़ी, तो गाउन हैवी होना चाहिए और दुपट्टे का भले ही आप चौड़ाई जितना आप चाहें वो रख सकते हैं। तो अगर साड़ी में से बना रहे हैं तो 2.5 मीटर फैब्रिक अलग से चाहिए और 3 मीटर लाइनिंग के लिए फैब्रिक अलग से चाहिए। और भी खर्चा नहीं करना है तो भाई आपके पास कोई दुपट्टा तो पड़ा ही होगा, जैसे कि ये दुपट्टा है और इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसका पल्लू बना सकती हूँ, पर मैंने इसके लिए अलग से कपड़ा लाया हुआ है उसमें से ही मैं बनाऊंगी, प्रॉपर साड़ी बनाऊंगी इसको मैं। दुपट्टा तो अब आप कहेंगे 2 ही मीटर का होता है, तो क्या टेंशन लेनी यार, अभी मैं आपको बता देती हूँ इसका भी हल, 1, 2
ये तो 2 से फालतू है, पर 2 ही मीटर के दुपट्टे होते हैं ज्यादातर, तो 2 मीटर का दुपट्टा लीजिए और इसमें से जो भी कत्तर वत्तर बचेगी या साइड में से कपड़ा वपड़ा बचेगा उसकी फ्रिल लगा दीजिए भाई, 2.5 मीटर का आपका दुपट्टा भी हो जाएगा। तो ऐसे बनाइए तो गाउन वाली साड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो कैसी लगी है आपको ये नॉलेज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेकर। बाय फ्रेंड्स।